बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। आज हम बना रहे हैं प्याज के पकोड़े। चलिए बनाते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए एक पाव बेसन, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हमारे पास जीरा पाउडर है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून हमारे पास है धनिया कटा हुआ, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे इसका। शाम के टाइम चाय के साथ आप लोग ये पकोड़े बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। सिंपल और इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा बेसन का बैटर हो रहा है तैयार। इसको अच्छी तरह से फेंट लें जिसके तमाम लम्स हो जाए ख़त्म। अब हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखिए 30 मिनट बाद अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। पुदीने के पत्ते हैं बारीक चॉप किए हुए, ये डाल दीजिए। 2 अदद मीडियम साइज प्याज है हमारे पास, इसको हमने बारीक काट लिया था, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मैं प्याज को थोड़ा सा मसल के डाल रही हूँ ताकि इसके तमाम लेयर्स अलग हो जाए। अब इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें डालते हैं पकोड़े, इनको करना है डीप फ्राई। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। शाम के टाइम आप बनाइए, चाय के साथ सर्व कीजिए। इसकी साइड चेंज करेंगे। पकोड़ों को करेंगे हम गोल्डन। देखिए इसके अंदर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से हर साइड को हम पका लेंगे। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े करते हैं सर्व। ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो हमें याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।